टूर्नामेंट की शुरुआत होती हुई यहाँ पे अंकित चले रेड पे सिसाना से बिलोंग करते हैं और भैंसवाड़ की टीम का हिस्सा बन के खेल रहे हैं यहाँ पे अंकित। दूसरी तरफ से भी अंकित, अंकित सड़वा जिला सार, ये भी काफी शानदार रेडर और स्पीड काफी शानदार इनमें वर्सेस भाई जिला कैथल है। बहुत ही अच्छा टैकल, शानदार टैकल अजय लाठी द्वारा। दीवानी और बैंसवाल के बीच चलता हुआ ये मैच, काफी शानदार मैच, दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई यहाँ पे प्रकार सहयोग करें। थोड़ी देर बाद आप लोगों रेड पे कुलप्रीत देखने को मिलेगा और एक अंक का इजाफा करता हुआ अपनी टीम के लिए। शानदार कैच सागर को लगने वाली ये कैच और रेड पे चले हैं अंकित सारवा जिला सार, काफी शानदार प्लेयर है, यंग एज का प्लेयर है और मजबूत कदकाठी और छोटी हाइट, स्पीड इनमें भी बहुत देखने को मिलेगी। दोनों ही खिलाड़ी, दोनों ही टीम के खिलाड़ी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। अमरजीत चले हैं रेड पे, गांव जीतपुरा जिला चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं, बहुत शानदार प्लेयर है, कोटा यूनिवर्सिटी के लिए खेल चुके हैं, अच्छा अनुभव है और खेलो इंडिया खेलो में अच्छा खेल खेला और मेडल प्राप्त किया है उन्होंने। सुनील बैंसवाल की किट पहने हुए 11 नंबर, शानदार जंप लगाने की कोशिश और वहीं पे फ्लाइट इनकी रोक ली। डिफेंस में बचे हैं चार प्लेयर बैंसवाल की टीम, यहाँ जवाब लड़का था, यहाँ अंकों की जरूरत है, टीम जल्दी से अपना वार्म अप कर ले, रेडी रहे, इंतजार नहीं करेंगे, जो टीम नहीं आएगी उसको स्क्रैच कर दिया जाएगा। जबरदस्त अंकित सड़वा शानदार किक लगाते हुए यहाँ पे रेड पे अंकित। दूसरी तरफ से भी जीएस मुक्सर से खेल चुके हैं पंजाब से इंटर कॉलेज और गांव से सणा जिला सोनीपत से बिलोंग करते हैं, ये भी काफी शानदार प्लेयर है। मैदान नंबर एक पर जो टीम जीतेगी साई में ही रह चुके हैं, साई से प्रशिक्षण लिया है, काफी शानदार प्लेयर है जीएनसी मुक्सर, पंजाब के लिए यूनिवर्सिटी खेल चुके हैं, विकास की टीम क्या रहेगी। अब रेड पे चले कुलप्रीत, मैदान नंबर एक पर जो मैच चल रहा है जो जीतेगी यही रुकेगी, पहला सेमीफाइनल मुकाबला हो जाएगा जबकि चौथा और अंतिम क्वार्टर मैच मैदान नंबर दो पर खेला जाएगा, यानी फ्यूचर अकेडमी रोहतक वर्सेस पाई डीसी कैथल। फ्यूचर अकेडमी वर्सेस कैथल, दोनों टीमों से अनुरोध है जल्दी से जल्दी, अंकित सिसाना ये कुछ ही मिनटों का मैच बाकी है, इंतजार ना करवाएं अपना वार्म। जबरदस्त हाई होल्ड और चारों खाने चित कर दिया यहाँ पे अंकित को। रेड पे चले अंकित और डिफेंस में बचे हैं सुधा, अंकुश और बंतु मलिक बैंसवाड़ के लिए, दोनों 9 नंबर की जर्सी के प्लेयर काफी शानदार खेलते हैं, K7 का भी हिस्सा रह चुके हैं आप लोगों को फाइनल मैच देखने। और यहाँ पे बंतु की गलती, अंकित ने चारों खाने चित कर दिया टीम बैंसवाड़ के, काफी शानदार गेम देखने को मिलता है यहाँ पे। अंकित आपको पहले बताया था शानदार खेलते, स्पीड इनके पास भी बहुत है लेकिन आज स्पीड अंकित की चली है गाम सड़वा से, जो कि शानदार खेले हैं इस मैच में। टोटच की कोशिश, बार बार डिफेंस को चेक कर रहे हैं यहाँ पे और डैश लग चुका है अंकुश को, बोनस टू रेडर, रेडर को बोनस मिल गया और टीम भिवानी को 3 अंक मिल गए और इसी के साथ टीम बैंसवाड़ आउट हो चुकी है। एंड ऑल इन, रेड पे है कुलप्रीत, अब
डिफेंसिव खेलने की टीम भिवानी और अटैकिंग खेल अटैकिंग गेम खेलना पड़ेगा बैंसवाड़ की टीम को यदि मैच वापसी करनी है तो। आपका मैच होगा मैं विकास का मैच पक्का होगा। अगर एक अंक का इजाफा करते हैं अपनी टीम के लिए एकेडमी के साथ ये ग्राउंड नंबर 2 का स्कोर जताई भिवानी 9 बैंसवाड़ 4। जी हाँ अंकित चले रेड पे इसी रेडर की बदौलत टीम भिवानी मजबूत स्थिति में। डिफेंस में गिर गए यहाँ पे अंकित और अब टीम बैंसवाड़ ने वापसी के संकेत पैदा कर दिए। और यहाँ पे सागर को टैकल कर लिया गया। कुलप्रीत असल कुमार टीम भिवानी की शानदार दिखाती हुई है। वार्मअप करने तैयार रहे, ये कुछ ही मिनटों का मैच है, उसके तुरंत बाद ग्राउंड नंबर 2 पर आपका मैच होगा। अपना जल्दी से जल्दी भाई रेडी रहे। रेड पे चले हैं अमरजीत फ्रॉम जीतपुरा जिला तरक्की दादरी जीतपुरा धाम से शानदार प्लेइंग दिया जाएगा। लेवन इनकी भी बहुत शानदार खेलते हैं। एक एक पॉइंट का इंतजार और यह गलती टीम भिवानी को यहां पे संकट में पैदा कर देगी। नहीं चलेगा। रेड पे चले हैं गौरव फ्रॉम भिवानी, ये भी असन कुमार कोच के शिष्य हैं, ये भी असन कबड्डी अकेडमी प्रैक्टिस करते हैं। हाफ टाइम दोनों टीमों के मध्य अंतर का समय हो चुका है। स्कोर चार अंकों की लीड टीम भिवानी के पास, 10 अंक है भिवानी के पास और 6 अंक है टीम बैंसवाड़ के पास। जताई की टीम शानदार प्रदर्शन करती हुई बैंसवाड़ को कांटे की टक्कर देखने को मिलती हुई यहाँ पे। सागर इस रेड पे दारमदार होगा, ये काफी शानदार खेलते हैं। ग्राउंड नंबर 2 रेडी रहे, लास्ट कुछ ही मिनटों का मैच बाकी है, उसके बाद आप लोगों का मैच होगा। रेड पे चले कुलप्रीत आगे बैंसवाड़ का डिफेंस बहुत ही शानदार डिफेंस अंकुश और बंतु की जोड़ी काफी शानदार बैंसवाड़ की टीम की रीढ़ की हड्डी। बार बार डिफेंस को चेक किया जा रहा है। अमरजीत डू एंड डाई रेड पे इंतजार, गौरव चले रेड पे अच्छा खेलते हैं। ये जताई की ओर से और यहाँ पर डिफेंस कर लिया गया गौरव को। डू एंड डाई रेड फ्रॉम डू एंड डाई रेड बैंसवाड़ की तरफ, बैंसवाड़ की भी डू एंड डाई रेड और ये चार भाई छोड़ना कहे छोड़ना कहे रेफरी साहब को डिसीजन दे रहे हो। जताई भिवानी की टीम डिफेंस और शानदार यहां पे जंप देखने को मिलता हुआ सागर द्वारा। ये
बोनस अंक दे दिए गए यहाँ पे टीम जताई। ये भाई ऑल आउट हो चुके हैं और भाई स्कोर है जताई भिवानी 10 बैसवार 13। भाई खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है। आपसे पहले भाई काफी लीड हो चुकी थी लेकिन अच्छे प्रदर्शन के द्वारा अच्छे खेल के द्वारा बल्कि लीड को तोड़ा है। बल्कि ये रेडर कर सकता अंकित सड़वा कुछ ना कुछ यदि टीम भिवानी जताई को वापसी करा सकता था। इस रेडर में दम रखता है कोई ऐसा खिलाड़ी कम नहीं भाई। शोर नहीं शोर भाई रेफरी को फैसला देने दो। हम नहीं चाहते शानदार का यूज किया जाए किसी के लिए। मैच समाप्त हो गया है। गुड़ान के साथ आपका मैच होगा। गुड़ान विनर है। गुड़ान वसीम मैम की बीमारी है। रौनक भाई यही राम का नाम ले लो। अभी तुरंत मैच होगा। विजय कहीं नहीं जाना। हाँ तुरंत मैच होगा। मैम विकास की टीम आखिरी अजमंत भाई देखिए गांव की टीम लगातार दूसरा मैच खेलेगी। टीम है मैं विकास की टीम आ गई। जीत चुकी है। सीपे की टीम आगे मैच कराओ। बारी की टीम आगे मैच कराओ। साइकिल रेड है। ग्राउंड नंबर 2 के लिए भी भाई टीम रेडी रहे। फ्यूचर अकेडमी रोहतक वासी के थल। ये कुछ ही मिनटों का मैच है। उसके तुरंत बाद आप लोगों का मैच होगा। और मैच शुरू कराओ जी। मैम और गुड़हान का मैच शुरू कराओ जी। कोई लाइन क्रॉस नहीं हुई। रेड पे चले अंकित। इसी प्लेयर ने समस्याएं पैदा की हुई है टीम भैंसवाल के लिए। काफी शानदार खेलता है ये प्लेयर। अंकित ये का मैच बाकी है। स्कोर भी बराबर है। खिलाड़ी भी टक्कर के है। तोड़ पाट मैच शुरू करा दो। मैच शुरू करा दो। फायदे की बात बता रहा हूँ। मैच शुरू करा दो। ये रेडर निर्भर करेगी जीत या हार का। इसी रेडर पे दारोमदार है टीम। पहले मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और विजयी रहे भैंसवाल का और बहुत ही जताई का। और भाई ग्राउंड नंबर 2 के लिए भी भाई बार बार अनाउंस कर रहे हैं ना। फ्यूचर अकेडमी रोहतक सागर दले रेड पे 1 मिनट का टाइम है। जल्दी जल्दी रेडी होके अंकित शर्मा गोल्डी आशी और रौनक फिर शूट देसी की मिलेगा। पेंट की तरफ से टिप्पा हो जाएगा सारे का। जबरदस्त 2 पॉइंट का इजाफा यहाँ पे टीम अंकित की। अनाउंसमेंट मैंने बताया था आपको यही रेडर कुछ कर सकता अपनी टीम के लिए। अंतिम क्षणों में मैच अंतिम रेट बचती हुई यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग मोड में पहुंच गया। मैच खेले जबरदस्त टैकल यहाँ पे और टीम जताई की शानदार प्रदर्शन करती हुई यहाँ पे। और इसी के साथ मैच समाप्त और भैंसवाल की टीम जीत चुकी। टीम जताई और भैंसवाल की टीम इस मैच को लूज कर गई।